कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं और आज हमने अपना अगला चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करना है, इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम के बारे में समझेंगे क्या होता है। इक्विलिब्रियम अक्सर आप देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, जैसे आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे, जैसे आप देखते हैं सीसॉ होता है, अगर आप किसी पार्क वगैरह में जाएं और वहां पे आप झूल रहे हो तो आपने सीसॉ देखा होगा। सीसॉ कैसा होता है कि उसमें दो तरफ आपके कोई दो इंसान बैठते हैं और देन फिर उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर एक में आपका कोई भारी वेट वाला बैठ जाए और एक में कम वेट वाला बैठ जाए तो भारी वेट वाला क्या हो जाएगा, वो अनबैलेंस सा होगा, है ना। और वो बैलेंस कब होगा, एक जैसे एक पूरे एक प्लेन पे, एक प्लेटफॉर्म पे कब दोनों आएंगे, जब दोनों की तरफ क्या हो, सेम वेट हो। इसी तरह से आप तराजू में देखते हो, आप तराजू जब तोलते हैं, है ना, तो उसमें क्या हो, आप हम डिजिटल बैलेंस की बात नहीं कर रहे, तराजू की बात कर रहे हैं, तो दोनों तरफ अगर क्या हो, सेम वेट हो, तो वो बैलेंस होता है ना। तो वो बैलेंस वाली जो पोजिशन होती है उसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, है ना। इसी तरीके से और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं कि सपोज जैसे आपके पास क्या है, एक पानी की टैप है ना, उस पे आप ऊपर से क्या कर रहे हैं, एक पानी की टंकी में आप क्या कर रहे हैं, ऊपर टैप से पानी आपने खोला, पानी उसमें जा रहा है और नीचे से आप क्या कर दीजिए, उस टंकी में छेद कर दीजिए, तो जितना पानी आता जाएगा पानी गिरता चले जाएगा, तो जो पानी का लेवल है टंकी के अंदर वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पानी क्या हो रहा है, कभी कम हो रहा है कभी भर रहा है, वो आपको ऐसे लगेगा कि कांस्टेंट है, उसमें कुछ भर ही नहीं रहा है या कुछ आपका गिर ही नहीं रहा है, क्योंकि जितना भर रहा है वो भर रहा है फिर गिर जा रहा है ना, तो एक कांस्टेंट लेवल रहेगा, तो इसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो केमिस्ट्री में आप केमिकल इक्वेशंस में किस तरीके से ये इक्विलिब्रियम काम आता है, तो दो तरीके के इक्विलिब्रियम के बारे में आप पढ़ते हैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम होता है और एक आपका आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। तो इस तरह से हमें पढ़ना है, तो पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे देन फिर आयनिक की तरफ जाएंगे। होता क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम कि किसी भी इक्वेशंस में आप देखते हैं कि आपका रिएक्टेंट्स जब टूट के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, है ना, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि प्रोडक्ट्स फिर टूट के वापस से रिएक्टेंट में आ जाते हैं, यानी दोनों तरफ क्या चल रहा है, सेम काम चल रहा है, सेम बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट सारा खत्म होकर प्रोडक्ट बना दिया फिर रिएक्शन रुक गई, तो जनरली ये इरिवर्सिबल, जो आपकी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है जिसमें जो रिएक्शन दोनों तरफ चलती है, उसमें हम बेसिकली इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो आज हमें वही पढ़ना है ना, उसी को समझेंगे, तो उसी को करने के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, है ना। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई आपके पास वाटर है ना, लिक्विड फॉर्म में वाटर है और वो क्या बना देता है, आपका वेपर बना देता है ना, H2O क्या बना देता है, आपके वेपर बना देता है, वेपराइजेशन हो जाता है उसका, है ना। जैसे आपके पास एक कोई बर्तन है, उसमें आप क्या करिए, पानी रखिए और उसको नीचे से हीट करिए, है ना, तो वेपर बनाएगा और ऊपर से उसको ढक दीजिए आप, है ना, ढक दीजिए तो क्या होगा कि सारे जो जो पानी है वो वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट होके उस ढक्कन के नीचे वाले हिस्से में जाएगा, देन वो फिर कंडेंस होगा, ठंडा होके वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो ये वाली जो स्टेट होती है इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, है ना, कि दोनों तरफ क्या हो रहा है, जितना पानी वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था उतने ही वेपर वापस से पानी के फॉर्म में कन्वर्ट हुए, है ना। तो लिक्विड से वेपर बनाना है क्या बोलते हैं हम, वेपराइजेशन, है ना, लिक्विड से वेपर बनाना वेपराइजेशन, और वेपर से वापस लिक्विड आना कंडेंसेशन, यानी दोनों तरफ क्या चल रहा है, सेम चल रहा है, जितना लिक्विड वेपर बने उतने ही वेपर वापस लिक्विड में भी कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना, क्या हो गए आपके, कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। सो रेट ऑफ, यहाँ पे हम क्या क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो आपका बराबर हो जाएगा किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक
ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो डबल हाफ एरो है, ये जो डबल हाफ एरो आप देख देख पा रहे हैं, ये क्या करता है, इंडिकेट करता है आपका, क्या इंडिकेट करेगा कि जो प्रोसेस है बोथ द डायरेक्शन में वो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। तो जो मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट, जो आपका मिक्सचर है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का किसी भी इक्विलिब्रियम स्टेट में, उसे हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहते हैं, ठीक है ना। आप बात, आप कभी भी इक्विलिब्रियम जब देखेंगे तो आप ये डबल साइडेड हाफ एरो जरूर पाएंगे। ये डबल साइडेड जो आपके पास डबल हाफ एरो है, ये आपको बताते हैं कि दो जो 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 प्रोसेस है दोनों डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली चल रहा है। ये डबल हाफ एरो हमें क्या बताता है कि प्रोसेस है ना इन बोथ डायरेक्शन, प्रोसेस इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है, आर गोइंग साइमल्टेनियसली, ठीक है, प्रोसेस इन बोथ डायरेक्शन आर गोइंग साइमल्टेनियसली, इसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो जो इक्विलिब्रियम है, जो इक्विलिब्रियम आपका, उसको जो स्टेब्लिश करते हैं दोनों के लिए, फिजिकल प्रोसेस के लिए भी और केमिकल रिएक्शन के लिए भी, है ना। तो रिएक्शन आपकी फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे और नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे, कि भाई रिएक्शन फास्ट है स्लो है, वो इन इन पर डिपेंड करती है। अगर रिएक्टेंट किसी क्लोज्ड वेसल में हो, पर्टिकुलर टेम्परेचर वो प्रोडक्ट दे रहे हो, तो कंसंट्रेशन जो होगी रिएक्टेंट की वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी, जबकि वही आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपकी बढ़ जाएगी कुछ देर बाद, है ना, आपकी क्या बढ़ जाएगी, आफ्टर सम टाइम वो आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और जहाँ पे आपका कोई थोड़ी देर बाद क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। और वो कैसा इक्विलिब्रियम होता है आपका, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम भी दो तरीके के होते हैं आपके पास, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है और एक आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम आपका कैसे हो गया कि जिसमें कि आपके पास, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि आपके आपके पास सपोज क्या है, कोई कोई लिक्विड है ना, और वो आपके पास क्या हुआ, लिक्विड इवेपोरेट हुआ किसी क्लोज कंटेनर में, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपके पास, जब उन पे क्या होगी, हायर काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो वो लिक्विड सरफेस को क्या करना चाहेंगे, छोड़ के जाना चाहेंगे वेपर फेस में। तो जो नंबर ऑफ लिक्विड, आपके जो नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम द वेपर फेस, वो क्या करते हैं, लिक्विड फेस को स्ट्राइक करते हैं और वापस से लिक्विड फेस में आ जाते हैं, है ना। इससे क्या होने लगता है, एक कांस्टेंट वेपर प्रेशर बना रहता है ना, बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम, जिससे कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने आपके जा रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ जाते हैं आपके पास, वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से होता है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में भी आपका ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा, कि आपके पास जो आपके पास रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज करते चली जाती है। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें होती है ना। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और आपका रेट ऑफ जो रिवर्स रिएक्शन है वो आपका क्या होने लगता है, आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपका रिवर्स रिएक्शन का इक्वल हो जाता है। क्यों? क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेज में कोई भी चेंज नहीं आता कंसंट्रेशन ऑफ आपका वेरियस स्पीसीज इन द रिएक्शन मिक्सचर, है ना। तो इसी के बेस्ड में आपका जो जो कंटेंट होता है कि भाई जिसमें रिएक्शन प्रोसीड हो रही है वही क्या करती है, केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ जाती है, ठीक है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ वो जाती है। तो इसी की बात हम करेंगे कि हमारे पास जैसे कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी कोई रिएक्शन है, ठीक। अब ए प्लस बी से क्या बना आपका प्रोडक्ट, बना सी प्लस डी, ठीक है ना। ए प्लस बी से क्या प्रोडक्ट आपका बना, सी प्लस डी आपके पास प्रोडक्ट बना है, ठीक। चलिए अब हुआ क्या, अब अगर हम बोले कि ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, तो कैसे पता चलेगा इक्विलिब्रियम में है, कि जब ए प्लस बी, ए प्लस ए और बी क्या है आपके, रिएक्टेंट है, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, ये टूट के किस में गिर रहे हैं, प्रोडक्ट में गिर रहे हैं। ए प्लस बी क्या है बच्चों, रिएक्टेंट है, टूट के प्रोडक्ट में गिर रहे हैं, है ना। तो जब ए प्लस बी रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो हम किस तरफ चल रहे हैं, आगे की तरफ,
यानी ए प्लस बी से जब सी प्लस डी बनता है तो कैसी रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, ये आपकी क्या हो गई, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई, कौन सी, ए प्लस बी से सी प्लस डी बनना। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या है, डबल आपके एरो हैं, डबल हाफ एरो, डबल हाफ एरो का मतलब इक्विलिब्रियम को बता रहा है, इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, इसका मतलब ए प्लस बी जब सी प्लस डी में कन्वर्ट हो रहा है तो बैक टू बैक सी प्लस बी वापस टूट के बी ए प्लस बी में जा रहा है, यानी इस तरफ तो फॉरवर्ड रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है और इस तरफ आप जब सी प्लस डी से ए प्लस बी की तरफ आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं ये क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन है, क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये डबल हेडेड एरो है ना आपके, डबल हाफ एरो कब आप शो करेंगे, जब इक्विलिब्रियम होता है, और कहने का मतलब इक्विलिब्रियम की स्टेट कब आएगी कि जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है जब वो बराबर हो जाए किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम हुआ है। आई बात समझ में आपको, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, तो ये वाली जो स्टेट होती है इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक, चलिए, है ना। जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास क्या है, जैसे कि N2 जब रिएक्ट करती है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनता, अमोनिया बनता है ना, अमोनिया बनता है 2 मोल्स ऑफ NH3, बैलेंस रिएक्शन है ये, है ना, हेबर प्रोसेस की रिएक्शन है। हेबर प्रोसेस में क्या होता है, 1 मोल नाइट्रोजन को जब रिएक्ट करते हैं 3 मोल हाइड्रोजन से तो आपके पास 2 मोल अमोनिया बनता है NH3, और ये रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में आती है ना, इक्विलिब्रियम में आती है। और मैं आपको बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में कि आपकी जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वही आपकी इक्विलिब्रियम को शो करती है ना, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम को शो नहीं करेंगी। इरिवर्सिबल में आपकी कौन सी रिएक्शन आ गई, इरिवर्सिबल रिएक्शन जैसे आपके पास कोई NaCl प्लस NaOH, सपोज आपने किसी बेस और एसिड को रिएक्ट कराया HCl प्लस NaOH को, क्या बना, NaCl बना प्लस वाटर बन गया H2, है ना। तो ये वाली रिएक्शन क्या है, आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन है ना भाई, HCl और NaOH मिलने के बाद NaCl बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। अब सॉल्ट और ये वाटर वापस टूट के कभी भी एसिड और बेस नहीं देंगे, ये एक ही तरफ चलने वाली रिएक्शन है, इसलिए ऐसी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि क्या हुआ, ये HCl और NaOH पूरा डिसोसिएट होके पूरा टूट के इन्होंने सॉल्ट और वाटर बनाया, है ना, एक ही तरफ। आप इसमें एरो भी एक ही तरफ देखे रहोगे कि एक ही तरफ चलती है, बस फॉरवर्ड चलेंगी और पूरा प्रोडक्ट बन के ये रिएक्शन खत्म हो जाएंगे, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा नहीं। और आपने देखा हेबर प्रोसेस में आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया तो NH3 बना, है ना, इसमें ऐसा नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ, एक ही तरफ दो तरफ रिएक्शन चल रही है। पहले हुआ क्या, आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डाले 1:3 के रेशियो में, आप देख रहे हैं कि अमोनिया बन रहा, ठीक है ना, अमोनिया बन गया। थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि अमोनिया टूट के वापस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रहा है, तो आपको ऐसे लगेगा कि रिएक्शन हो ही नहीं रही है, आपको ऐसे लगेगा रिएक्शन हो नहीं रही है ना, देखने वाला तो यही कहेगा कि रिएक्शन नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि जितना रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बना रहा है उतना प्रोडक्ट वापस टूट के रिएक्टेंट बना दे रहा है, कुछ भी चीज जा नहीं रही है। कहने का मतलब कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, कंसंट्रेशन वो क्या हो जाती है आपकी, कांस्टेंट हो जाती है, और यही कंसंट्रेशन कांस्टेंट होने को ही हम क्या कहते हैं, आपका इक्विलिब्रियम कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की, रेट का मतलब होता है समय कि रिएक्शन को होने में कितना टाइम लग रहा है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब बराबर हो गए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए उसी पोजिशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम पोजिशन क्या होती है कि रिएक्शन स्टार्ट होने के कुछ समय बाद आती है, कि जैसे ही आपकी रिएक्शन स्टार्ट हुई आपके जो रिएक्टेंट है
उन्होंने वो मिक्स करना स्टार्ट हुए, रिएक्ट करना स्टार्ट हुए, और वो जैसे रिएक्ट करा उन्होंने तो कुछ समय बाद उन्होंने प्रोडक्ट दिया, और देन कुछ समय बाद आपकी दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। जितना रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बना रहा उतना ही प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट बना रहा, ठीक है ना। जैसे आपको ये बताया हमने इसमें हेबर प्रोसेस में इस तरीके से ये होती है, ठीक है ना। समझ आया आपको इक्विलिब्रियम होता क्या है? मेरे ख्याल से इतना बताने पे आपको समझ आया होगा, क्लियर होगा कि इक्विलिब्रियम है क्या, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरफ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? अब हमारे पास कोई जनरल रिएक्शन है, सपोज ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी, ये कोई क्या है, जनरल इक्वेशन है, ठीक। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें ढूंढना है कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, ठीक है ना। चलिए, तो होगा क्या, यहां से हम बात करते हैं कि हमने बात की थी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पहले आप ये समझ लीजिए कि कोई रिएक्शन है, जैसे कि ए प्लस बी क्या देगी, सी। ए प्लस बी क्या दे रहा है, सी दे रहा है, ठीक है ना। ए प्लस बी दे रहा है आपको सी, ठीक। चलिए, अब किसी भी रिएक्शन का रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। आप क्लास 12th में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कि रिएक्शन कितने समय में हो रही है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कि उसका जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को खत्म होने में कितना समय लग रहा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बनने में कितना समय लग रहा है, उसे रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाती है कि आपका लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, ठीक है ना। किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। पहले हम लॉ ऑफ मास एक्शन करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, है ना। ये आपके पास क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन है, ठीक। चलिए, जैसे कि हमारे पास क्या है, ए प्लस बी इन्होंने मिलके क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया, ठीक। ए प्लस बी ने मिलके आपका प्रोडक्ट बनाया। अब रेट ऑफ रिएक्शन होगा क्या, आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। ए का एक्टिव मास क्या होगा, दिस, और बी का एक्टिव मास क्या होगा, ये, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, उनके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। तो ए का एक्टिव मास ए हो जाएगा बी का, ये जो है, ये जो ब्रैकेट है, ये आपका क्या डिनोट करता है, एक्टिव मास, ठीक है, एक्टिव मास डिनोट करता है, ठीक। इसको आप एक्टिव मास कहते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे हम, के लगाते हैं, के, है ना। तो के ए और बी, यहाँ पे जो के है, के स्टैंड फॉर, के स्टैंड फॉर रेट कांस्टेंट। के क्या होता है आपके पास, रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है, के होता है रेट कांस्टेंट, ठीक। तो ये आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है ना, समझ आया आपको। अब बढ़ते हैं आगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात करें कि होता क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे आपके पास कोई जनरल रिएक्शन है ए प्लस बी, ठीक है, गिव्स सी प्लस डी, ये आपके पास जनरल रिएक्शन है कोई, ठीक है। अच्छा चलिए, तो हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं पहले। अब आपको पता है कि इस तरफ क्या हो रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, ये क्या आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक। और इधर को क्या है आपके पास, बैकवर्ड रिएक्शन, ये आपके पास है बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों का रेट निकालते हैं और दोनों को इक्वल रखते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का रेट क्या इक्वल है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, आर ओ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, है ना, हम मान लेते हैं K1, ठीक है, A, अब उसका जो कोफिशियंट है ना वो पावर में आ जाता है, ठीक है, B पावर में आ गया, तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास ये हो गया, है ना। इसी तरह से हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हमने बोला उसका रेट कांस्टेंट K2। अब ये बैकवर्ड को चल रही है, तो हमने बोला कि रेट हुआ क्या था आपका, रिएक्टिंग स्पीसीज, रिएक्टिंग स्पीसीज ना। अब जब रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रही है, जब रिएक्शन क्या हो रही है फॉरवर्ड की तरफ जा रही है, तो कौन कौन रिएक्टिंग स्पीसीज है, ए और बी है, वो मिलकर सी और डी दे रहे हैं। अब जब बैकवर्ड रिएक्शन चल रही है तो क्या रेट रिएक्टिंग स्पीसीज कौन है, सी और डी टूट के ए और बी बना रही है। आपको समझ आ रही होंगी बात कि दोनों केस में रिएक्टिंग स्पीसीज है ना। फॉरवर्ड में ये दो रिएक्ट होके सी और डी बना रही है, और बैकवर्ड में ये दो टूट के वापस ए और बी बना रही है। तो फॉरवर्ड में ए और बी रिएक्टिंग होगी और बैकवर्ड में सी और डी रिएक्टिंग होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन फिर उसी तरीके से लिखेंगे, है ना। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, के टू सी उसकी पावर सी और डी उसकी पावर डी, ठीक है ना। ये आपके पास दोनों का रेट हो गया, आई बात समझ में। अब हमने बात की भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होती है इक्विलिब्रियम में, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम है ना। इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों बराबर जाएंगे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है आपके पास, के वन ए बी, ठीक है, इक्वल टू के टू सी और डी, ये आपके पास दोनों का रेट है ना। तो हम क्या करते हैं, के वन अपॉन के टू इधर ले आया मैं, इक्वल टू सी की पावर सी, डी की पावर डी, होल अपॉन ए की पावर ए एंड बी की पावर बी, ठीक है ना, ये हो गया। अब ये जो के वन के टू है, दिस के वन के टू इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, के वन अपॉन के टू को हम लिखेंगे के ई इज इक्वल टू सी की पावर सी और डी की पावर डी होल अपॉन ए की पावर ए एंड बी की पावर बी, ठीक है ना। तो ये के ई यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है ना। के ई क्या है आपके पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आई बात समझ में। तो के ई को क्या कहते हैं हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो अगर आपसे पूछता है कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या, कैसे डिफाइन करेंगे आप, तो आप यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने क्या लिखा, ये हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है, और आप देखेंगे रिएक्शन को, आप देखें
कि सी और डी आपके पास रिएक्टेंट है, ए और बी, सॉरी सी और डी प्रोडक्ट है और ए और बी क्या है आपके पास रिएक्टेंट है। तो आप देखेंगे ध्यान से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो है ना, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है ना। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो ये रेशियो होता है इसी को आप क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज दी, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज डिफाइंड एज दी रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ एक्टिव मास रेस टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट ठीक है, एक्टिव मास डिफाइन एज द रेशियो ऑफ एक्टिव मास रेस टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट टू द रेस टू द पावर एक्टिव मास रेस टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट टू एक्टिव मास रेस टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ठीक है। क्या हुआ आपका जो एक्टिव मास है किसका, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट के एक्टिव मास की पावर जो उसका कोफिशिएंट होगा है ना, उसके 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 एक्टिव मास के पावर और एक्टिव मास पावर के किसके रिएक्टेंट के रेशियो के बराबर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि हमने पीछे बताया कि के ई क्या है आपका, इस तरीके से सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए बी की पावर बी है ना। और ये कांस्टेंट कौन सा वाला कोफिशिएंट कौन सा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है ठीक है ना, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट टू एक्टिव मास रेस टू द पावर ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ आपका रिएक्टेंट। तो इसको हम के ई कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो आपको समझ आएगा यहाँ से कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, किस तरीके से होता है ना। चलिए ये तो रहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब नोट करने वाली बात क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, नोट करने वाली बात क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम दो तरीके से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं। कि पहला व्हेन एक्टिव मास ठीक है इज यूज्ड एज कंसंट्रेशन, जब एक्टिव मास को ऐसा कंसंट्रेशन बताएंगे है ना, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज के ई ठीक है। अगर सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज के सी, अगर आप क्या करें, अगर आप एक्टिव मास को ऐसा कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम के सी कहते हैं, के सी है ना। अब सपोज जैसे ये जनरल इक्वेशन थी, ये जनरल इक्वेशन है, इसका अगर आपको के सी निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, इसका के सी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आपके पास सी डी ए और बी, ये इसका क्या हो जाएगा, के सी हो जाएगा ठीक है। चलिए पहली बात, दूसरी बात क्या है कि व्हेन एक्टिव मास इज यूज्ड एज पार्शियल प्रेशर, एक्टिव मास यूज एज पार्शियल प्रेशर,
पार्शियल प्रेशर हमेशा गैसेस का ही होता है, ठीक है ना। व्हेन एक्टिव मास इज यूज्ड एज पार्शियल प्रेशर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज केपी, ठीक है। अगर एक्टिव मास आपको पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में दे रखा है देन आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी होगा। तो उसी रिएक्शन का केपी क्या निकालेंगे आप, पी सी उसकी पावर सी पी डी उसकी पावर डी अपॉन पी ए की पावर ए एंड पी बी की पावर बी। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि केपी क्या होता है, केसी क्या होता है, ठीक है। केपी क्या होता है, केसी क्या होता है, जब कंसंट्रेशन एक्टिव मास कंसंट्रेशन के जैसे यूज करें, और जब एक्टिव मास को आप पार्शियल प्रेशर के में बताएं तो फिर आपका केपी होगा, ठीक है ना, फिर क्या होगा केपी होगा। तो इस तरीके से ये होता आपका, आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये चीजें आपके होती है, ठीक है ना। चलिए तो ये चीजें आपके होती है। अच्छा, जैसे एग्जांपल के द्वारा हम समझे, कोई हमारे पास रिएक्शन है जैसे N2 गैसियस प्लस O2 गैसियस गिव्स NO2 गैसियस, ठीक है ना। दो यहाँ दो लगा दो आप, ठीक है, और यहाँ पे चार, इधर आप दो लगा, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास कोई रिएक्शन है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, दोनों तरफ प्रोसीड होंगी, ठीक है ना। तो अगर आपको इसका केसी और केपी निकालना है तो इसका केसी कैसे निकलेगा, इसका जो केसी होगा, इसका केसी, केसी क्या, हमने बात करी होता क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि जो केसी क्या होगा इसका, आपके पास ये हो जाएगा NO2 का एक्टिव मास लेना पावर अपॉन N2, ठीक है, और यहाँ पे O2, है ना। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आता है केसी, और इसका केपी निकालना तो पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में हम बताते हैं कि आप पी NO2 उसकी पावर 2 पी, ये आपके पास प्रोडक्ट हो गया, देन रिएक्टेंट आपके पास क्या है पी N2, ठीक है, और यहाँ पर पी O2 की पावर 2। तो इस तरीके से आपने देखा केसी केपी कैसे निकाला जाता है। तो इस तरीके से आपको आज इक्विलिब्रियम के बारे में समझ में आएगा कि होता क्या है इक्विलिब्रियम, कैसे आप केमिकल इक्वेशंस में आप उसको बताते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हमने जाना, कितने तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, ये सारी बातें हमने करी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों का समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।